यम्मी टमाटो राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, फिर लाल मिर्च और पीनट, चना की दाल, उड़द दाल, जीरा, मस्टर्ड सीड, ये सब मिला के हम डालेंगे। अगर आपको पीनट ज़्यादा पसंद है तो आप पीनट ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इनको हल्का सा सॉल्ट करेंगे और फिर एक हरी मिर्च डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और इसको धीरे धीरे सॉल्ट करेंगे हल्का सा गोल्डन कलर आने तक। अब हम इसमें अनियन, इट्स 1 रेड चॉप्ड अनियन, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स, आई कांट इवन टेल यू कि मुझे एक तो भूख लगी हुई है अभी और ऊपर से इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। वाह, मुझे ये बहुत पसंद है टमाटो राइस। आप बस राइस बॉईल करो और यम्मी टमाटो राइस रेडी। अब हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे इसमें, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए और धीरे धीरे इसको, अनियन को हमें सॉफ्ट होने देना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। नाउ अब हल्दी, मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक हल्दी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी हल्दी यूज़ कर सकते हो। इसको थोड़ा सा और सॉल्ट करेंगे हम, अब मैं इसमें 3 टमाटर की प्योरी बनाई है वो इसमें डाल लेंगे और इसको हल्का सा कुक करेंगे, 4-5 मिनट हम कुक करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए, उसका टेस्ट अच्छे से निकल के आए। इसका बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब धीरे धीरे टमाटो प्योरी बॉयल होगी और क्या होगा, ऑयल रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑयल अलग से हमें दिखने लगेगा, तो तब टमाटो हमारा रेडी हो जाएगा पके। आप देखिए अभी इसने तेल छोड़ दिया है, ऑयल रिलीज हो रहा है, देखिए साइड से ऊपर से, तो ये पक चुका है। अब हम इसमें राइस डालेंगे। मैं मोस्टली बासमती राइस अवॉइड करती हूँ और सोना मसूरी या कोई भी और बॉयल्ड राइस यूज़ कर सकते हैं आप। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, टमाटो प्योरी और राइस को खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि सारा जो भी है मसाला अच्छे से मिल जाए। और ये देखिए कितना प्यारा कलर निकल के आया है और ये बहुत टेस्टी बना है। और एंड में आप गार्निश के लिए इसके ऊपर धनिया पत्ती काट के डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम ये आपके टेस्ट के ऊपर है। मैंने ज़्यादा कुकिंग वीडियोस की नहीं है फ्रेंड्स, तो मे बी देर माइट बी कुछ मिस्टेक्स होंगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करें सो दैट अगली बार मैं ध्यान रखूं। तो ये है हमारा टमाटो राइस सर्व करने के लिए रेडी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा बना। थैंक यू।